गोला थाने की पुलिस ने सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अजीत कुमार तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम बारानगर व ग्राम डडिया थाना गोला गोरखपुर पुत्र राम वृक्ष निवासी ग्राम धुचिया पार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्त ने आवास योजना का अपात्र लोगों को लाभ दिया था और बिना शौचालय बने पैसा निकाल कर दुरुपयोग किया था, जिसके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गोला थाने के उप निरीक्षक जयराम यादव, अनिश कुमार सिंह, कांस्टेबल वरुण पांडे, प्रदीप जायसवाल, गुरु प्रसाद शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना गोला जनपद गोरखपुर के दो मुकदमों में आज गोला पुलिस को गिरफ्तारी करने में सफलता मिली है। एक मुकदमा 2020 का है, दूसरा 2022 का है। दोनों मुकदमे 409 आईपीसी से संबंधित हैं। एक पंचायत सेक्रेटरी ने 2020 में बिना शौचालय बनवाए तमाम लाभार्थियों के खातों में पैसे भेज दिए थे, जिसकी जांच हुई, तत्क्रम में ये मुकदमा लिखाया गया था। इसी तरह से इसने प्रधानमंत्री आवास योजना में तमाम अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उनके खातों में स्वीकृति करा करके पैसा भेजा था, जांच में वो भी पकड़ा गया, जिसका मुकदमा 2022 में पंजीकृत हुआ। आज दोनों मुकदमों में इसे गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आगे साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करके अन्य विधिक जो भी कार्यवाहियां शेष हैं वो पूरी कर ली जाएगी।